कार्टून एनिमेशन सीरीज और साइंस फिक्शन मूवीज में हमेशा फ्यूचर की एक झलक दिखाने की कोशिश की जाती है, पर क्या हो अगर किसी कार्टून टीवी सीरीज में दिखाया गया कोई इवेंट फ्यूचर में वाकई हो जाए, और वो भी इतना एक्यूरेट कि उसको कोइंसिडेंस कहना इम्पॉसिबल है। द सिम्पसन्स 17 दिसंबर 1989 में चालू हुआ एक ऐसा अमेरिकन कार्टून टीवी शो जिसके 30 सीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं और 32वें सीजन तक की प्लानिंग हो चुकी है। पर हम यहाँ पर सिम्पसन्स की विक्ट्री की हिस्ट्री बताने नहीं आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी से लेकर नोबेल प्राइज विनर तक का नाम इस टीवी सीरीज में एक्चुअल इवेंट से 10-15 साल पहले ही दिखा दिया गया था। सिम्पसन्स की पूरी कंप्लीट कार्टून सीरीज में 25 से भी ज़्यादा ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो फ्यूचर की बिल्कुल सटीक झलक दिखाती हैं और जो फ्यूचर में सही भी हुई हैं। लेकिन इन सभी 25 घटनाओं में से मैं आपके पास लाया हूँ वो टॉप 5 घटनाएं जिनको सुनकर आप भी चौंक जाओगे, तो बने रहो उस वीडियो में। नंबर 5, नोबेल प्राइज। ये एपिसोड सीजन 22 का पहला एपिसोड है जिसमें सिम्पसन्स फैमिली के कुछ बच्चे इस बात पर शर्त लगा रहे होते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन होगा। इस सीन के बीच में ही जो एक कैरेक्टर है वो अपने हाथ में एक ऐसा पर्चा पकड़ा हुआ है जिसके अंदर एक नाम लिखा है, बैंक होमस्ट्रोम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो एपिसोड था वो 2010 में दिखाया गया था और बैंक होमस्ट्रोम ने इकोनॉमिक्स में 2016 में नोबेल प्राइज जीता। तो ये कोई कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि इतने कठिन नाम वाला कोई व्यक्ति उसी सब्जेक्ट में फ्यूचर में नोबेल प्राइज जीते। नंबर 4, US एबोला आउटब्रेक। आप सब लोग इस बात को तो जानते होंगे कि 2014 के आसपास दुनिया में एबोला वायरस बहुत चर्चित था। अब इस कार्टून सीरीज के एक एपिसोड के सीन को देखिए जहाँ पर कार्टून सीरीज का एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को एक बुक पढ़ने को देता है और इस बुक का टाइटल है क्यूरियस जॉर्ज एंड द एबोला वायरस। इस बुक के फ्रंट पेज पर एक बीमार लेडी भी हमें देखने को मिलती है। पर क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि ये एपिसोड 2014 के बाद नहीं बल्कि पहले आया था? कितने पहले? 1997 में। तो दुनिया में एबोला वायरस का नाम फेमस होने के 17 साल पहले ही वो इस कार्टून सीरीज में कैसे दिखा दिया गया। नंबर 3, द गॉड पार्टिकल। सीजन 10 एपिसोड 2 1998। इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि सिम्पसन्स का मेन कैरेक्टर होमा एक इन्वेंटर बनना चाहता है और इसलिए वो लैब में जाकर साइंटिस्ट जैसी हरकतें करने लगता है। वो एक ब्लैकबोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखता है। देखने वाले लोग इन मैथमेटिकल इक्वेशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और शो को इन्जॉय करते हैं, पर 14 साल बाद एक चौंकाने वाली चीज़ सामने आती है। सन 2012 में साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी करते हैं और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस गॉड पार्टिकल का जब मास कैलकुलेट किया जाता है तो इसका मास अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है जितना सिम्पसन्स की उस मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा हुआ था। तो किसी आदमी का नाम को इंसिडेंस हो सकता है, दुनिया में होने वाला कोई इवेंट को इंसिडेंस हो सकता है, लेकिन गॉड पार्टिकल जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ का एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन में मास सही होना कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। नंबर 2, फॉल्टी वोटिंग मशीन्स। इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि होमर बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी से खुश होकर अगली बार भी उन्हीं को इलेक्ट करने के लिए वोटिंग मशीन में उनके नाम का बटन दबाता है, पर जो वोटिंग मशीन होती है वो ख़राब होती है और उसका वोट जॉन मकेन नाम के एक पॉलिटिशियन को चले जाता है। पर आश्चर्य की बात तो तब हुई कि 4 साल बाद 2012 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब एक व्यक्ति ने बराक ओबामा को वोट देने के लिए मशीन पर क्लिक किया तो उसका वोट मिट रोमने नाम के दूसरे पॉलिटिशियन को चला गया। उस आदमी ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का एक वीडियो भी बनाया और उसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जिसके ऊपर 10 मिलियन व्यूज से भी ऊपर है। तो एक यूट्यूब वीडियो जैसे ठोस सबूत के साथ क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों इंसिडेंट्स कोइंसिडेंस हैं? और अब आता है वो वीडियो जिसका आपको शुरुआत से इंतज़ार था। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप्स प्रेसिडेंसी। सीजन 11 एपिसोड 17 ईयर 2000। इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट एक सरकी आदमी बन गया है और उसका नाम भी ट्रंप है। आप इस कार्टून कैरेक्टर के चेहरे को एक्चुअल डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से मिलाकर भी देख सकते हैं। इस एपिसोड में वो पॉलिटिशियन एस्केलेटर से नीचे उतरता दिखता है और मज़े की बात देखिए कि उसके कुछ सालों बाद एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप उसी ड्रेस में
वही एक्शंस करते हुए उसी एक्सकेलेटर से नीचे उतरते हैं जो सिम्पसन्स की उस सीरीज में दिखाया गया था। अब आप ही मुझे बताइए, क्या आप अपने देश के अगले प्रेसिडेंट का नाम बता सकते हैं या उसका चेहरा बता सकते हैं? जब आप अपने देश के अगले प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं बता सकते, तो बताइए किसी कार्टून सीरीज में 16 साल बाद के प्रेसिडेंट का नाम और काफ़ी मिलता जुलता चेहरा कैसे दिखा दिया गया। सिम्पसन्स कार्टून बहुत ही मजाकिया मूड का कार्टून है, लेकिन इसके कई एपिसोड्स में ऐसे हिंट्स भी दिए गए हैं जो दुनिया के हिस्टोरिक मोमेंट्स को बयां करते हैं। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है न्यूयॉर्क $9 और उसके पीछे ट्विन टावर भी बने हुए हैं जो कि 9 के साथ देखने पर 9/11 की तरह दिखते हैं। पर ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इसलिए इसे मैंने अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया। अगर आपको ऐसे ही अजीबोगरीब वीडियोस देखने में मज़ा आता है तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।